एक कप मक्के का आटा लेंगे, उसमें डालेंगे एक कप मैदा या फिर गेहूं का आटा, मैंने यहाँ गेहूं का आटा यूज़ किया है। फिर डालेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, एक टीस्पून नमक, तेल दो बड़े चम्मच डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे पानी और इसका एक डो बना लेंगे। और इसका टाइट डो बनाना है तो पानी कम से कम यूज करें। डो बनने के बाद इसके इक्वल साइज में हम लोइयां निकालेंगे और फिर इसे रोल करेंगे। आप इसे कोई भी शेप में रोल कर सकते हैं, अनइक्वल शेप हो तो भी चल जाएगा। इसे स्क्वायर शेप में कट करना है और जो एक्स्ट्राज है उसे निकाल लेंगे। वापस एक बार रोल करें ताकि ये सब साइड से इक्वली फ्लैट हो जाए। और फिर इसे हमें ट्रायंगल्स में कट करना है। डीप फ्राइंग के लिए तेल लेंगे, इसमें नाचोस डालकर फ्राई करेंगे। नाचोस को फ्राई होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। हल्का सुनहरा रंग आने पर इसे हमें निकाल लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है ताकि जो उसका येलो कलर है वो बनाए रहे। अब ये बन गए नाचोस। अब बनाएंगे सालसा डिप। उसके लिए पैन गरम करेंगे, एक टमाटर लेना है और उसे 4 टुकड़ों में कट कर इसके ऊपर रखना है। फिर डालेंगे आधा प्याज और 6 से 8 लहसुन की कलियां। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। हल्का काला रंग आने पर फ्लेम को ऑफ करना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाता है इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे, साथ ही में डालेंगे आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया आधा कप, नमक आधा टीस्पून और 1/4 नींबू का रस डालेंगे। फिर डालेंगे ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और इन सबको हमें कोर्सली ग्राइंड करना है, इसकी प्यूरे ना बनाए। सालसा डिप बनकर तैयार है, इसे बोल में ट्रांसफर करेंगे। अब बनाएंगे चीज सॉस। पैन में 1 टीस्पून बटर लेना है, इसे पूरी तरीके से मेल्ट करेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं, इक्वल प्रोपोर्शंस में डालें। इसको मिक्स करके इसका रू बना लेना है। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर,
साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करना है। उसमें आधा ग्लास दूध डालेंगे और मसालों के साथ इसे मिक्स करेंगे। फिर डालेंगे दो चीज़ स्लाइसेस या फिर चीज़ क्यूब्स। और चीज़ मेल्ट होने तक इसे चलाते रहें। जैसे ही ये सॉस थिक होने लगता है फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चीज़ सॉस भी बन चुका है। नाचोस को प्लेट में अरेंज करें, साथ ही में साल्सा डिप और चीज़ सॉस डालकर सर्व करें। सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे, उसके लिए कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल डालेंगे। फिर डालेंगे 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। उसे सौते करेंगे। फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और उसे अच्छी तरीके से भुनेंगे। फिर डालेंगे 2 कप बटन मशरूम्स। साथ ही में डालेंगे 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। यहाँ मैंने बीन्स को बॉईल करके लिया है, उसे इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर डालेंगे 1 कप स्वीट कॉर्न। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर डालेंगे नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से कंबाइन करेंगे। अब ये एनचिलाडास का स्टफिंग रेडी है। इसे हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। अब देखेंगे रंचेरो सॉस की रेसिपी। उसके लिए 2 टीस्पून तेल लेंगे, उसमें डालेंगे रेड बेल पेपर्स यानी लाल शिमला मिर्च, इसे कोर्सली ही चॉप किया है। इसे अच्छे तरीके से सौते करके लेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर्स है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन बारीक कटा हुआ। फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। फिर यहाँ मैंने लिए है 3 बड़े साइज के टमाटर, उन्हें भी मैंने कोर्सली ही चॉप किया है, वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से टॉस करेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसीलिए डालें ताकि ये सॉस थोड़ा गाढ़ा बनता है। फिर डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर। नमक 1 टीस्पून, इससे टमाटर अच्छे से गल जाएगा। और 1 टीस्पून चीनी। मिक्स करेंगे।
फिर डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून बारीक कटे हुए सेलेरी लीव। मिक्स करना है और इसे पकाने के लिए डालेंगे 1 बोल पानी। सॉफ्ट होने तक इसे पकाएंगे। अब ये मिक्सचर रेडी है, गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडा होता है इसे मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। फाइन प्यूरी बनाएं। ये प्यूरी अब बनकर तैयार है। क्रंचेरो सॉस बनकर तैयार है। अब लेंगे तोर्तियास। तोर्तिया की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये जो स्टफिंग हमने बनाया था इसको इसके सेंटर में डालेंगे और इसे रोल करेंगे। इसी तरीके से मैंने 4 रोल्स बनाए हैं। यहाँ मैंने बेकिंग टिन लिया है, स्क्वायर टिन। इसके बॉटम में हम सॉस लगाएंगे। और उसके ऊपर ये रोल्स रख देंगे। वापस इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे। सॉस बहुत ही नेसेसरी है, अगर ये नहीं रहा तो हमारे एंचिलाडास काफ़ी ड्राई टेस्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर से डालेंगे सेलेरी लीव्स और 2 चीज़ स्लाइसेस रखेंगे। आपके पास जो भी चीज़ है वो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अवन को 10 मिनट प्रीहीट किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये प्रीहीटेड अवन में हम एंचिलाडास रखकर इन्हें 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये बेक हो चुके हैं। मैक्सिकन वेजिटेरियन एंचिलाडास बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लेंगे तेल 1 बड़ा चम्मच, उसमें डालेंगे बटर 1 बड़ा चम्मच। बटर को मेल्ट करेंगे, फिर डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, फिर डालेंगे मैक्सिकन सीजनिंग्स या मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून। चिली फ्लेक्स घर पर बनाने की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर देखें। मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, इसे भी मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 3 आलू को बॉईल करके लिया था, जिन्हें क्यूब्स में कट किया है। इन्हें हम इसमें डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और कोट करेंगे। फिर डालेंगे नमक स्वादानुसार, यहाँ मैंने 1 टीस्पून ही डाला है। वापस अच्छे से मिक्स करेंगे। ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप किसी भी मैक्सिकन डिश जैसे एंचिलाडास, जिसकी रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बोल में 1 कप बारीक कटा हुआ आइसबर्ग लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़े से सेलेरी लीव्स, 1/2 नींबू स्क्वीज करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1/2 टीस्पून नमक, मिक्स करेंगे, थोड़ी सी मिंट पाउडर उसके ऊपर डालेंगे,
एडिशनल टेस्ट के लिए मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। सबसे पहले पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है। फिर डालेंगे 1 कप लाल और हरी शिमला मिर्च, इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। फिर डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। फ्लेम को ऑफ करेंगे, इन सब्जियों को एक बोल में डालेंगे। यहाँ मैंने कॉर्न को पहले ही रोस्ट करके लिया था, उसे कट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ मैंने आधे कॉर्न को ही कट करके डाला है। एक ककड़ी को बारीक काट कर डाला है। फिर डालेंगे 1 कप मूली, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 1 कप लेट्यूस लीव्स, बॉइल्ड बीन्स यानी राजमा 1 कप। मिक्स करेंगे। अब बनाएंगे सैलेड ड्रेसिंग। उसके लिए एक छोटे बोल में 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें 1/2 नींबू स्क्वीज़ करेंगे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून शहद, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स करना है। फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये ड्रेसिंग हम सैलड के ऊपर डालेंगे और मिक्स करेंगे। मैक्सिकन स्टाइल हेल्दी सैलड तैयार है। सबसे पहले हम सॉस पैन में 2 ग्लास पानी डालेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून के करीब बटर डालेंगे। और 2 टेबलस्पून चीनी, पानी को बॉईल करना है। जैसे ये बॉईल होता है, इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। पानी और मैदे को मिक्स करना है जब तक ये कंबाइन नहीं होता, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। अब ये बन चुका है। इसे हम ठंडा होने देंगे, फिर इसे डालेंगे पाइपिंग बैग में और पाइप करेंगे। अगर आपके पास स्टार नोजल है तो उसे भी डालकर आप पाइप कर सकते हैं। इसे आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से भी बना सकते हैं। अब ऑयल लेंगे डीप फ्राइंग के लिए, उसमें चूरोस डालकर
उसे डीप फ्राई करेंगे। अब ये फर्स्ट बैच डालेंगे। चूरोज अब बन चुके हैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून के करीब पीसी हुई चीनी ली है, उसी में हम 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस ऑप्शनल है। इसमें चूरोज डालकर उसे कोट करना है। अब देखेंगे चॉकलेट सॉस। इसके लिए 1 कप चॉकलेट लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और चॉकलेट को दूध के साथ मेल्ट करेंगे। अब ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे ग्लेज के लिए। ये चॉकलेट सॉस बन गया है। चूरोस भी बाहर से काफ़ी क्रिस्पी रहते हैं और इन्हें चॉकलेट सॉस के साथ ही सर्व किया जाता है। चूरोस और चॉकलेट सॉस बनकर तैयार है।